Interspecific interaction, coevolution. First, the contents. Definition of co, -ev co evolution, a role of natural selection in coevolution. Flowering plants and the nectar feeders are the pollinators, and hummingbird and the passion flowers. So, first, the co evolution. Students, if we talk about co evolution, co -evolution is also a type of interspecific interaction. को भी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की टाइप है जिसमें आमतौर तो पर जो है वो या एक फिनोमिना है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट विद ईच अदर तो स्पीशीज के जो इंटरेक्शन दैट इज द इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है तो व्हाट इज को एवोल्यूशन एवोल्यूशन मीन इवॉल्व चेंज होना को एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वेन डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट विद ईच अदर बोथ स्पीशीज इवॉल्व अकॉर्डिंगली बोथ स्पीशीज आपस आप इंटरेक्ट आप करेंगे तो एक स्पीशीज या दोनों स्पीशीज जब एक दूसरे के ऊपर एक सेलेक्टिव प्रेशर डालेंगी तो उससे क्या होगा कि एक खास जो है उसके अंदर एवोल्यूशन होगी सो एक्चुअली उसका बाई डेफिनेशन हम क्या कहेंगे इट इज़ अ को एवोल्यूशन इज एक्चुअली द फिनोमिना इन विच द डिफरेंट स्पीशीज दे इंटरेक्ट इन सच अ वे दैट दे एग्जर्ट अ स्पेसिफिक सेलेक्शन प्रेशर आर द सेलेक्टिव चेंज ऑन द अदर स्पीशीज वन स्पीशीज एग्जर्ट आर सेलेक्टिव चेंज ऑन द अदर स्पीशीज सो द रिजल्ट इज द एवोल्यूशन इन द स्पीशीज इट वे भी एवोल्यूशन वन स्पीशीज मोस्टली इट is एवोल्यूशन इन बहुत स्पीशीज सो हाउ को एवोल्यूशन अकर्ज इन नेचर अगर हम नेचर के अंदर बात करते हैं को एवोल्यूशन कब होती है इसके क्या है तो सिंपली को एवोल्यूशन बेसिकली इट हैपन् नेचर वेन स्पेशली दियर अ कम्पिटिशन बिटवीन द आर्गेनिजमस डिफरेंट स्पीशीज जब कम्पीट करती हैं तो फिर वहाँ एक को एवोल्यूशन जो है वो एवॉल्व होती है सिमिलरली द सेकेंड टाइप इज द प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप प्री इनशिप दियर इज आलसो दूशन प्रिडेक्टर इवॉल्व होगा और साथ साथ क्या होगा कि जो प्रे है वो भी इवॉल्व होगा सिमिलरली अगर इसमें उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो जैसे प्रिडेक्ट प्रे एवोल्यूशन क्या होगी प्रिडेक्टर जो है वो प्रे को एफिशेंटी पकड़ एफिशेंटली पकड़ने के लिए डिफरेंस के जा वो, जा वो उसके अंदर जो है वो जो है वो एवोल्यूशन होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर बेहतरी आएगी ताकि वो प्रेग को क्या कर सके ईजिली कैप्चर करे तो इसके अंदर मतलब प्रिडेटर के अंदर क्या एवोल्यूशन हो रही है इसलिए टू फैसिलिटेट द हंटिंग दू फेसिलिटेट द प्रिडेशन और तो प्रे जो है उसके अंदर क्या एवोल्यूशन होगी प्रे भी अकॉर्डिंगली क्या करेगा अपने आप को मॉडिफाई करेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर प्रीडेटर जो है वो इवॉल्व होकर बेटर होता तो है प्रेग जो है उतना ही एफिशिएंट हो रहा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए तो अगर तो दोनों तरफ से एवोल्यूशन होती है तो फिर नेट रिजल्ट क्या होगा जीरो होगा यानी इट विल बी अ बैलेंस्ड तो ये बैलेंस्ड बैलेंसड होगी जिसमें दोनों ग्रुप्स इवॉल्व करेंगे लेकिन अगर एक ग्रुप ज्यादा इवॉल्व कर गया दूसरा काम इवॉल्व कर गया तो फिर क्या होगा तो जो ज्यादा इवॉल्व करने वाला ग्रुप जो है वो अल्टीमेटली क्या करेगा उसको जो दूसरे ग्रुप को अगर प्रीडेटर ज्यादा इवॉल्व कर गया है तो फिर वहां प्रे सर्वाइव नहीं कर सकेगा उस हैबिटेट में जो एक नेचुरल बैलेंस है इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा इससे अगर प्रे ज्यादा इवॉल्व कर गया है तो प्रीडेटर अब उसको कैप्चर नहीं कर पा पाएगा तो रिजल्ट हमारे पास फिर यही होगा कि देर विल बी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एक नेचर के अंदर जो है वो इम्बैलेंस आएगा सो नॉर्मली वेन द स्पीशीज दे कम्पीट एर दे इवॉल्व द नेचुरल सिलेक्शन फेवर द स्पेसिफिक करेक्टर्स तो नेचुरल सिलेक्शन जो है क्या करती है वो स्पेसिफिक करेक्टर को फेवर करेगी जो ज्यादा स्यूटेबल करेक्टर होंगे फिर उसको आगे क्या किया जाएगा प्रमोट किया जाएगा इसके अंदर तो अगेन इफ दर इज अ बैलेंस अगर दोनों तरफ बैलेंस है प्रीडेटर प्रे में है या बाकी चीजों में तो फिर नेट जो है वो हम क्या कहते हैं कि नो वन इज द विनर सो हेर वी हैव सम ऑफ की जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है द पोलिनेटर्स पोलिनेटर्स एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स आइडिया ये है जो कॉन्सेप्ट है कि इनिशियली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे यूज टू बी पोलिनेटेड बाई द विंड विंड के थ्रू वो क्या होती थी कि उनमें पोलिनेशन होती थी कि विंड के थ्रू जो है वो पोलन ग्रेन जाकर स्टिग्मा पर गिरते थे उसे पोलिनेशन होती थी, थी ये प्रोसेस चलता विद द पैसेज ऑफ टाइम द प्लांट्स दे सम मोर एफिशिएंट प्लांट्स ने कुछ ज़्यादा एफिशिएंट वेस्ट क्या किया अडॉप्ट कर लिए जिसमें नंबर वन द प्लांट्स जो है दे बिकेम मोर ब्राइट इन कलर प्लांट्स है जो उसका जो कलर है फ्लावर्स का ज्यादा ब्राइट हो गया दे आल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्स उसके जो नेक्टर प्रोडक्शन होगी तो अब रिजल्ट क्या था कि जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी ब्राइट कलरेशन है या फिर इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेंट्स हैं तो इस वजह से जो पोलिनेटर्स हैं दे आर अट्रैक्टेड टू द प्लांट्स अब अब क्या हुआ कि पोलिनेटर्स को यानी इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स ने अपने आप को इवॉल्व किया है तो दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑफ को एवोल्यूशन के एक ग्रुप क्या आ रहा है अपने को इवॉल्व कर रहा है इसी तरह से प्लांट्स और पोलिनेटर की दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है हमिंग बर्ड की और दो प्लांट्स विच आर पोलिनेटेड बाई द हमिंग बर्ड्स कहता है वो नेचर के अंदर बहुत सारे प्लाट्स हैं जिनको हमिंग बर्ड्स जो है वो पोलिनेट करते हैं सो तो नॉर्मली दो प्लांट्स विच आर पोलिनेटेड बाय द हमिंग बर्ड वो प्लांट्स जिनको हमिंग बर्ड पोलिनेट करता है या उनको पोलिनेशन करवाता है दो प्लाट्स दे रेड कलर अब उन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि रेड कलर होता है और वो ट्यूबुलर शेप के होते हैं अब अगर हम इस पर देखें तो ये रेड कलर क्यों है प्लांट्स का हमिंग बर्ड जो है उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी वो रेड कलर को जो है जितनी आसानी से वो पहचान सकता है सो रेड फ्लावर की वजह से सिंपली मतलब क्या है कि अब ये स्पेसिफिक प्लांट जो है ये आप रेड फ्लावर की वजह से हमिंग बर्ड को अट्रैक्ट करेगा और इसका जो ट्यूबुलर पोर्शन जो है वो चूँकि हमिंग बर्ड की बीक लॉन्ग होती है तो फिर वो ट्यूबुलर फ्लावर्स के अंदर से नेक्टर जो है उसको फीड कर सकता है जब वो नेक्टर फीड करेगा तो अल्टीमेटली इस दौरान जो है वो पोलिनेशन भी होगी सो so, द सेकेंड एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास देर द एग्जाम्पल ऑफ हमिंग बर्ड एंड द पैशन फ्लावर पहले जो, है, जो, जो है वो जेनल है जेनल फ्लावर जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं हेयर वी हैव वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल हमिंग बर्ड की बहुत सारी स्पीशीज हैं उन स्पीसी में से एक हमारे पास है एनसीफेरा 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 इज द वन स्पीसीज ऑफ हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड की बहुत सारी स्पीशीज हैं स्पेसिफिक स्पीशिज ऑफ हमिंग बर्ड इट फीड्स आन द पैशन फ्लावर ये जो है वो क्या करते है पैशन फ्लावर को फीड करता है अगर हम देखें तो इसमें दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो यह है कि जो पैशन फ्लावर है इसका जो नेक्टर है वो बड़ी डीप स्टोर होता है अब फ्लावर के अंदर नेक्टर चूंकि बहुत डीप पोजिशन के ऊपर स्टोर है तो बाकी जो बर्ड्स हैं वो इसको फीड नहीं कर नेक्टर नहीं ले सकते हैं अब जब बाकी बर्ड्स जो हैं या बाकी जो एनिमल्स हैं जब इसका फीड नहीं इसका नेक्टर नहीं ले सकेंगे तो अल्टीमेटली इसकी पोलिनेशन भी नहीं करवा सकते हैं तो सिर्फ जो है वो एनसीफेरा एनसीफेरा हमिंग बर्ड जो होगा इट विल कम टू दीज स्पेसिफिक पैशन फ्लावर्स ये पैशन फ्लावर्स आएंगे नेक्टर फीड करेंगे और साथ इसकी पोलिनेशन कराएंगे अब इसमें यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक ये है कि पैशन फ्लावर जो है इट इज़ स्पेसिफिकली पोलिनेटेड बाय द हमिंग बर्ड ये एनसीफरा एनसीफरा हमिंग बर्ड के थ्रू ही सिर्फ जो है वो ये स्पीसी स्पीशी स्पेसिफिक पोलिनेशन हो जाएगी और दूसरी इसका इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि एनसी फिर एनसी फिर जो हमिंग बर्ड है ये कंपटीशन से बच गया है कि इसे क्या होगा कि ये स्पेसिफिक होने की वजह से कंपटीशन क्या हो गया देर अ रिड्यूस्ड कंपटीशन बिटवीन द स्पीशीज